लास्ट क्लास बच्चे जब हमने रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड पढ़ा था, ठीक है, तो हमने रीजंस के अंदर कई सारे पॉइंट्स पढ़े थे। जैसे अगर हम डिस्कस करें थोड़ा थोड़ा, तो हमने पढ़ा था कि राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, रिडक्शन इन टैक्सेस, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फॉल इन इम्पोर्ट, राइज इन एक्सपोर्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये सारे रीजंस थे बेटा जो कि एक्सेस डिमांड के रीजंस थे। ठीक है, अब इसी एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या मेजर्स यूज करते हैं, हमको वो समझना होगा। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बेटा, वो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, और वापस एक बार बोल दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद बोलूंगा नहीं बेटा। सुहानी, अच्छा ऑन है, ओके चलो। सो बेटा ध्यान से सुनेंगे अब आप लोग, ठीक है। देखो, दो टाइप के मेजर्स यूज किए जाते हैं टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड, ठीक है। एक होता है हमारा फिस्कल पॉलिसी, एक होती है हमारी बेटा फिस्कल पॉलिसी, और बेटा दूसरी होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह ध्यान में रखना होगा बेटा, फिस्कल पॉलिसी एक्चुअल में कौन यूज करता है बेटा, कौन यूज करता है? गवर्नमेंट। हर्षित यहां बोलना होता है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी बेटा गवर्नमेंट यूज करती है, और ध्यान रखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कौन इंट्रोड्यूस करेगा बेटा, सेंट्रल बैंक, दैट मींस हमारी कंट्री के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई इंट्रोड्यूस करेगा। क्या ये दो पॉइंट पहले आप लोगों को समझ में आया? अच्छा, अब ध्यान से समझना बेटा, हमें मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड में कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को मतलब स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ चीजें आप लोग को ध्यान से सुननी और समझनी पड़ेगी बेटा, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। सो टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड हम बेटा कुछ फिस्कल पॉलिसी यूज करते हैं एंड कुछ मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं, पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगेन फिस्कल पॉलिसी कौन इंट्रोड्यूस करता है बेटा, गवर्नमेंट। तो बेटा इसीलिए गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए दो चीजें करती है बेटा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या करती है, डिक्रीज कर देती है। एट अ सेम टाइम बेटा गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। अभी रीजन समझेंगे कि क्यों, ठीक है। सिमिलरली बेटा जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन इंट्रोड्यूस करता है, सेंट्रल बैंक। और बेटा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सेंट्रल बैंक दो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है, ठीक है। और वो दो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, पहला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है बेटा हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होंगे, तो अभी उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। देखो बेटा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेंट्रल बैंक जो होता है वो तीन मेजर पॉलिसीज निकालता है। पहला इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, अभी बात करेंगे ये क्या होता है। इसके अलावा बेटा मॉरल सोशल SUASION, और इसके अलावा बेटा क्रेडिट राशनिंग। एट द सेम टाइम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में बेटा सेंट्रल बैंक क्या करता है, बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है, बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है, रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है, लीगल रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर देता है, और भैया तुम्हारा शायद माइक पे ऑन हो जाता है, ओके। एंड बेटा एक और पॉइंट होता है, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके अंदर बेटा सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को क्या करता है, सेल करता है। ओके, जल्दी से सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा जल्दी से, फिर मैं समझाना शुरू करूं। एवरीवन, हरे आप नहीं करना है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी डन, गुड, ओके बेटा। अब हम एक एक करके ना पहले इन पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है बेटा। तो देखो हमने ये पढ़ा था कि एक्सेस डिमांड का मतलब ये होता था जहां पर बेटा इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद हमारी एग्रीगेट डिमांड वाज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है।
अब इसका मतलब ये होता था बेटा कि क्या नाम है, मार्केट में जो एग्रीगेट कंजम्पशन है यानी डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको और उसकी वजह से बेटा क्या क्रिएट होता था, इन्फ्लेशनरी प्रेशर या फिर इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता था। क्या हमने यही पढ़ा था एक्सेस डिमांड में ना? सो बेटा उस इन्फ्लेशनरी प्रेशर या इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के लिए हमें पॉलिसीज यूज करनी होती है। फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो चीजें आती है बेटा, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स यानी एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करता है, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को इंक्रीज करता है। पहले आप समझोगे क्यों, देखो बेटा गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट के कई सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं यानी ऐसे एक्सपेंडिचर है बेटा जो कि कंट्री की ग्रोथ में बहुत मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब गवर्नमेंट ना हर साल कई सारे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करता है, कई सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कई सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंट्रोड्यूस करता है। अब इसके अंदर बेटा कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में जिनकी मतलब जिनका रोल इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत मिनिमम होता है, तो गवर्नमेंट अपने उन अननेसेसरी या फिर आप ये बोल सकते हो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट क्या करता है, क्या करेगा गवर्नमेंट, डिक्रीज कर देगी। अब इस चीज को ना आप एक दूसरे मतलब अगर एक लॉजिकल पॉइंट समझना हो तो वो भी समझो। देखो गवर्नमेंट के जब एक्सपेंडिचर्स होते हैं बेटा तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में कंपैरेटिवली उनकी प्राइसेस क्या होती है बेटा, कम रहती है। क्यों कम रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा कि कंट्री के अंदर जो डिमांड होती है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाती है। बट अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को डिक्रीज कर देगा तो इसका मतलब यह है बेटा कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा स्कोप मिलेगा एंड ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव होता है बेटा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट के अंदर यानी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशनरी बर्डन रहता है वो सडनली डाउन हो जाता है, बिकॉज जो हमारी अननेसेसरी कंजम्पशंस होती है हम उसको क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। अब इसी चीज को अगर आप लैंग्वेज वाइज भी समझो बेटा तो क्या लिखा है ध्यान से समझना, गवर्नमेंट शुड reduce its expenditure to the maximum possible extent, because to reduce the expenditure किस किस पे, defense पे या unproductive works पे, यानी government को अपने expenditure कहाँ reduce करने बेटा, unproductive work पे जो कि बहुत rare case में growth provide करते हैं हमारी country को। अब आप एक चीज समझना, अगर government अपने expenditure को बेटा decrease करता है तो उससे aggregate demand पे क्या होती है बेटा, कंट्रोल में आ जाती है यानी डिक्रीज हो जाती है, और उससे हम अपने इन्फ्लेशनरी प्रेशर को क्या कर पाते हैं, करेक्ट यानी कंट्रोल कर पाते हैं। ये पॉइंट सब बच्चों को समझ में आया, सबको ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट है बेटा इंक्रीज इन टैक्सेस। अब देखो बेटा कई बार ऐसा होता है कि हमारे कंट्री के अंदर यू नो एग्रीगेट डिमांड यानी जो डिमांड होती है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। अब डिमांड को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है बेटा, अपने टैक्सेस को इंट्रोड्यूस इंक्रीज कर देता है या कुछ नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस कर देता है। उससे होता है बेटा कि प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है, अगर आप टैक्सेस इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज, टैक्सेस इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा, और बेटा का प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज, और बेटा उससे हम क्या कर पाएंगे, हमारी एक्सेस डिमांड को भी कंट्रोल कर पाएंगे। क्या ये पॉइंट भी सब बच्चों को समझ में आ रहा, ओके। नेक्स्ट वन बेटा आते हैं हम जरा मॉनेटरी पॉलिसी पे। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बेटा सेंट्रल बैंक को अपनी मनी सप्लाई को क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है, यानी जो क्रेडिट फैसिलिटीज है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है, उसको डिक्रीज करना होता है, जिसके लिए सेंट्रल बैंक बेटा कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है एंड कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है। हम पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। आपको ये दिख रहा है बैंक रेट को इंक्रीज करेंगे और रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे। पहले जरा दोनों के बारे में समझते हैं। अभी देखो एक डेफिनेशन लिखूंगा, जरा डिफरेंस आप बताएंगे बेटा, बैंक रेट और रेपो रेट इन दोनों की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन थोड़ा आप लोग को लगेगा कि काफी हद तक सिमिलर है। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, इट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक
लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक. सिमिलरली अगर मैं रेपो रेट बोलूं बेटा, अगेन दिस इज अ इट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक. क्या दोनों लैंग्वेज बिल्कुल डिटो सेम लगी? दोनों लैंग्वेज एग्जैक्ट सेम है? हाँ गौतम क्या बोले बेटा? चलो बताओ क्या डिफरेंस है फिर. बस ठीक है, ध्यान से समझेंगे बेटा. अगर आप नोटिस करो ना तो दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, लेकिन बैंक रेट होता है फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, एंड जो रेपो रेट होता है बेटा दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट. अब इसका मतलब क्या है पहले आप लोग वो समझ लो. देखो मतलब ये होता है कि चाहे बैंक रेट हो चाहे रेपो रेट हो, दोनों केस में बेटा सेंट्रल बैंक ना कॉमर्शियल बैंक को मनी लेंड करता है, यानी मनी मतलब देता है, लोन देता है, लोन नहीं बोल सकते, मनी लेंड करता है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट. अब अगर आप पॉइंट देखो तो इसमें क्या लिखा है, टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड. हम बेटा बैंक रेट को और रेपो रेट को दोनों को क्या करेंगे बच्चों, टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड हम बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को क्या करेंगे. ओके पहले रीजन समझ लेना कि हम दोनों को इंक्रीज क्यों करते हैं बेटा. देखो मान लो ये सेंट्रल बैंक, ये हमारी सेंट्रल बैंक हो गई बेटा, ठीक है, ये हमारी कॉमर्शियल बैंक हो गई, ठीक है, और ये हमारे हो गए बेटा जनरल पब्लिक. अब जरा प्रोसेस ध्यान से समझना आप लोग. देखो कॉमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से मनी लेंड किया, ठीक है, तो उसपे या तो उसने बैंक रेट दिया होगा या तो रेपो रेट दिया होगा, ठीक है, और उसके बेसिस पे कॉमर्शियल बैंक बेटा जनरल पब्लिक को मनी लेंड करती है, राइट, बात समझ में आई, ठीक है. अब मान लो, अब ध्यान से समझना बेटा, अगर पहले आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट दोनों 5% चार्ज करता था, तो सेंट्रल बैंक लेट से जनरल पब्लिक से 5-6% का मतलब बोरिंग रेट रखता था और जनरल पब्लिक को बेटा 5-6% के केस में लोन मिल जाता था. तो बेटा अगर सस्ते में यानी कम रेट पे अगर लोन मिलेगा तो हर एक जनरल पब्लिक लोन ले ले करके अपनी डिमांड्स को फुलफिल करेगा. बट अगर हमें एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो बेटा सेंट्रल बैंक इसी रेट ऑफ लेंडिंग को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, जिससे बेटा अब कॉमर्शियल बैंक को भी जनरल पब्लिक से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मांगना पड़ेगा. अब आप एक बात बताओ, मैं जब कॉमर्शियल बैंक से पहले लोन लेता था तो मुझे 6% का इंटरेस्ट पे करना था, अभी मुझे अगर 15% का इंटरेस्ट पे करना पड़े, क्या मेरे लिए ये बोरोइंग्स कॉमर्शियल बैंक से ये बोरोइंग्स लेना बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ओके ऐसा हो जाएगा कि मैं फिर लोन ना लूं बैंक से, या बहुत कम रेट का लोन, बहुत कम अमाउंट का लोन लूं, है ना. और बेटा अगर मेरे पास बोरिंग्स कम होगी तो मेरी डिमांड भी कम हो जाएगी और उससे हम एग्रीगेट डिमांड की जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर पाएंगे. बात समझे सारे बच्चे? राइट. पहले बताओ सब बच्चों को बात समझ में आई? अब अगर हम इसकी एक बार लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करें तो क्या लिखा बेटा, ड्यूरिंग द एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक इंक्रीज द बैंक रेट विच रेज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बोरिंग महंगी हो जाती है कॉमर्शियल बैंक के लिए फ्रॉम सेंट्रल बैंक, एंड इट फोर्सेस, जिसकी वजह से कॉमर्शियल बैंक भी क्या करता है बेटा, अपना लेंडिंग रेट इंक्रीज कर देता है जो कि बोरोअर्स को डिस्करेज करती है टू टेक द लोन. बात समझ में आई? और इसकी वजह से बेटा मार्केट में क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, वो सडनली रिड्यूस हो जाती है. क्या सब बच्चे बात समझे बेटा? दोनों पॉइंट्स में सेम चीजें मेंशन है. तो क्या सारे बच्चों को ये समझ में आया कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बैंक रेट और रेपो रेट को इंक्रीज करके हम कैसे एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करते हैं? सब बच्चे समझ गए? जल्दी बोलो सारे.
नेक्स्ट आते बेटा, नेक्स्ट इसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन। और बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन पहले होता क्या है, पहले आप लोग वो समझ लो, उसके बाद फिर पॉइंट पे आते हैं। सी, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये होता है जहां पर हम सिक्योरिटीज को हमने, मतलब जहां पर सेंट्रल बैंक बेटा सिक्योरिटीज को ओपनली या तो परचेज कर सकता है या तो सेल कर सकता है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर हमें एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है बेटा, सिक्योरिटीज को सेल करता है। पहले आप समझोगे कि रीजन क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो कॉमर्शियल बैंक के पास, ध्यान से समझना, कॉमर्शियल बैंक के पास जितनी ज्यादा सिक्योरिटीज रहेंगी बेटा, ठीक है, जितनी ज्यादा सिक्योरिटीज रहेंगी वो उतना ही ज्यादा क्रेडिट प्रोवाइड कर सकता है किसको, जनरल पब्लिक को। क्योंकि जितने ज्यादा सिक्योरिटीज, मतलब जितना ज्यादा कॉमर्शियल बैंक के पास अमाउंट पड़ा होगा यानी रिजर्व्स पड़े होंगे, उतना ही ज्यादा वो क्रेडिट यानी लोन प्रोवाइड कर सकता है जनरल पब्लिक को। बात समझ आ रही है बच्चे, ठीक है। अब यहां पर सेंट्रल बैंक क्या करता है बेटा, सेंट्रल बैंक इन सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में क्या कर देता है, सेल कर देता है। तो मान लो कॉमर्शियल बैंक के पास मैं बोलता हूं चलो 10 लाख रुपीज का सिक्योरिटीज था, अब सेंट्रल बैंक ने इसमें से 6 लाख रुपए की सिक्योरिटी को अगर सेल कर दिया तो बेटा जनरल पब्लिक के लोन के लिए कितने पैसे बचे कॉमर्शियल बैंक के पास, 4 लाख रुपीज। तो जहां पहले कॉमर्शियल बैंक 10 लाख रुपीज की क्रेडिट सप्लाई कर सकता था जनरल पब्लिक को, अब बिकॉज ऑफ द सेल ऑफ सिक्योरिटीज कॉमर्शियल बैंक सिर्फ 4 लाख रुपीज की सिक्योरिटी सेल कर पाएगा। और उससे भी क्या होगा बेटा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगी एंड अगेन हमारी एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी और हम एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर पाएंगे। बात समझ में आई सब बच्चों को, सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में सेल कर देता है, कोई भी खरीद सकता है, ठीक है, ओके। सारे बच्चों को समझ में आया यहां तक, ओके। नेक्स्ट वन इज बेटा इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो के अंदर बेटा वही दो रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो रिजर्व होता था जो कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करके सेंट्रल बैंक के पास रखता था, और स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो होता था बेटा जो कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करके अपने पास रखता था। अब पॉइंट ये आता है, टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड हम लीगल रिजर्व रेशियो को क्या करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज, हाँ बिल्कुल। अब एक बार हम एग्जाम्पल के थ्रू रीजन समझते हैं बेटा। देखो पॉइंट ये होता था कि कॉमर्शियल बैंक के अंदर, ध्यान से समझना सारे बच्चों जरा इस पॉइंट को अच्छे से समझना, कॉमर्शियल बैंक के अंदर बेटा डिपॉजिट्स आते थे और कॉमर्शियल बैंक बेटा उसमें से रिजर्व बना करके किसके पास रखता था, सेंट्रल बैंक के पास, और बाकी बचा हुआ अमाउंट क्या करता था, जनरल पब्लिक को लोन देता था, यही होता था, है ना। अब ध्यान से समझना बेटा, मान लो पहले के सिनेरियो में ऐसा होता था कि अगर 1 लाख रुपीज का डिपॉजिट आया तो कॉमर्शियल बैंक इस 1 लाख रुपीज के डिपॉजिट पे लेट से 10% का क्या करता था, यानी 10,000 रुपीज रिजर्व में रखता था, बाकी 90,000 रुपीज का लोन देता था, पहले ये होता था। मान लो अभी क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक ने जो रिजर्व है उनका रेट इंक्रीज कर दिया और इंक्रीज करके बेटा 10% के बजाय 20% कर दिया। अब इस केस में क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंक बेटा 20,000 रुपीज रिजर्व में रखेगा और लोन अब कितना दे पाएगा, सिर्फ 80,000। तो मतलब ये है बेटा, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन रिजर्व कॉमर्शियल बैंक मिनिमम अमाउंट अब दे पाएगा लोन के लिए, और जितना अमाउंट कम दे पाएगा लोन के लिए उतनी ही ज्यादा हमारी जो डिमांड होती है यानी कंजम्पशन होती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, वो कंट्रोल में आ जाती है। बात समझ में आई, अगर लैंग्वेज पढ़े बेटा तो लैंग्वेज में भी सेम चीज लिखा है, टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक इंक्रीज सीआरआर एंड एसएलआर, दैट मींस लीगल रिजर्व रेशियो, एंड इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इफेक्टिव कैश रिसोर्सेज ऑफ कॉमर्शियल बैंक, यानी जो एडवांस अमाउंट होता था वो कॉमर्शियल बैंक के पास रिड्यूस हो जाएगा और उससे बेटा कॉमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन की पावर थी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। बात समझ में आई सब बच्चों को, सारे
क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आरबीआई यूज करता है टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड। अब हम बात करेंगे बेटा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पहला पॉइंट है इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। पहले एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन रिक्वायरमेंट? पता है? बताओ। ठीक है, एनीथिंग एल्स? चलो मैं आप लोग को बता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझेंगे जरा। देखो, जनरल पब्लिक अगर कॉमर्शियल बैंक से लेट से लोन मांगती है, मतलब लेट सपोज मैं अगर बैंक से 10 लाख रुपीस का लोन मांगू, तो क्या कॉमर्शियल बैंक मुझसे कोलैटरल सिक्योरिटी कुछ ना कुछ मांगेगी कि नहीं मांगेगी, है ना? चलो मान लो बेटा, पहले बैंक बोलती थी कि जी आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो आप ना मेरे को 11 लाख रुपीस का कोई सिक्योरिटी मेरे पास रखो। मैं कहता हूँ चलो जी ठीक है, मैं आपको 11 लाख रुपीस की एक सिक्योरिटी देता हूँ, मेरे पास जो भी चीज पड़ी होगी, लेट्स से प्रॉपर्टी पेपर्स रिलेटेड समथिंग समथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, और मैंने बैंक से लोन ले लिया, मेरे लिए प्रेफरेबल लोन है। अब आप एक चीज समझना, जो लोन का अमाउंट है 10 लाख और जो सिक्योरिटी का अमाउंट है 11 लाख, तो बेटा दोनों के बीच में कितने रुपीस का डिफरेंस है? लोन के अमाउंट एंड सिक्योरिटी के अमाउंट दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 लाख का। सो दैट 1 लाख इज नोन एज बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट। अभी कॉमर्शियल सेंट्रल बैंक बेटा क्या बोल रही है कि टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड वी नीड टू इंक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। मतलब अब मैं अगर कॉमर्शियल बैंक के पास लोन लेने जाऊं, तो कॉमर्शियल बैंक मुझसे ये बोलती है कि जी आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो अब आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी 15 लाख रुपीस की। तो एक बात बताओ बेटा, मुझे लोन लेना है बट मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गया, तो क्या अब मैं लोन लेने के लिए इतना ज्यादा मतलब यू नो मतलब अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। बात समझे, है ना? सो इसकी वजह से होता क्या है बेटा, अब जरा लैंग्वेज देखना, इसकी वजह से होता क्या है कि सेंट्रल बैंक इंक्रीज द मार्जिन विच रिस्ट्रिक्ट द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द बैंक एंड बोरोअर, यानी मैं इस डील को मतलब बोरोअर फाइंड इट लेस अट्रैक्टिव टू बोरो मनी, एंड दिस इज हाउ, इसकी वजह से क्या होता है बेटा कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड, यानी मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि डीजी अभी लोन नहीं लेना, क्योंकि मुझे जितने का लोन नहीं देना उससे बहुत ज्यादा अमाउंट की सिक्योरिटी रखनी पड़ जाएगी, और मेरे पास इतनी सिक्योरिटी है नहीं, तो मैं अभी ये लोन नहीं ले रहा हूँ। लोन नहीं लूंगा तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, और बेटा अगर एग्रीगेट लेवल पे देखें तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे हम एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करते हैं। सब बच्चे समझ गए? सारे। इसके अलावा एक होता है बेटा मॉरल सोशन, ठीक है, अब आप इसको प्रोनाउंस में सोशन बोलते हो क्या बोलते हो डजंट मैटर, मैं इसको मॉरल सोशन बोलता हूं, ठीक है। एक चीज ध्यान से समझना, मॉरल सोशन इज बेसिकली एडवाइजरी, या फिर आप ये बोल सकते हो एडवाइस गिवन बाय सेंट्रल बैंक टू ऑल द कॉमर्शियल बैंक। अब इसके अंदर होता है ये बेटा कि सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को एडवाइस देता है, कैसे, लेट सपोज कोई नोटिस दे दिया, या फिर बेटा कोई लेट सपोज स्पीच दे दिया, लेटर दे दिया, या उनके कोई एक पैनल की डिस्कशन हुई, वर्कशॉप हुई, सेमिनार्स हुए, कहीं ना कहीं इसके थ्रू बेटा सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को एक एडवाइस प्रोवाइड करता है कि अब आप लोन जो दोगे, मतलब जनरल पब्लिक को जो लोन दोगे वो एक सर्टेन पर्पस के लिए दोगे, मतलब जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज है उनके लिए आप लोन नहीं दोगे। जैसे अगर आप नोटिस करो आजकल के टाइम पे क्या होता है, कितने सारे एड्स आते हैं कि नहीं, लोन चाहिए, सिर्फ एक क्लिक करें लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा, सुनते हो ऐसा कुछ, है ना, झट से लोन मिल जाएगा, ऐसा करके भी कई सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, पेपरलेस लोन, ये भी आजकल ऑप्शन आता है ना, तो बिल्कुल आते हैं। सो द पॉइंट इज बेटा कि सिंस अभी ना हमें बोरोवर्स को एनकरेज करना है कि आप लोग लोन लो,
इसलिए हम ऐसे एडमिट मतलब सेंट्रल बैंक अलाउ करता है। बट जब मार्केट में ना इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहता है तो उस टाइम पे बेटा सेंट्रल बैंक स्ट्रिक्टली कॉमर्शियल बैंक को मना करता है कि आप ना नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए बोरोवर्स को लोन नहीं प्रोवाइड करोगे। बात समझिए? ठीक है। और इस केस में भी क्या होता है बेटा कि अगेन मार्केट में क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो लोगों की एग्रीगेट डिमांड भी रिड्यूस हो जाती है। एंड लास्ट सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यहां पर क्या होता है बेटा सेंट्रल बैंक अगेन आप बोल सकते हो एडवाइजरी टाइप, सेंट्रल बैंक ना कॉमर्शियल बैंक को एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर मेंशन होता है कि आप मतलब मेंशन कैसे होता है बेटा कि आप किस सेक्टर के बिजनेस को कितना अमाउंट अवेलेबल करोगे, यानी अमाउंट कितने अमाउंट तक का लोन लिमिट होगी, ये चीजें मेंशन करता है। प्लस लेट सपोज मैं गया, मेरा इनकम स्टेटस कैसा है, मेरी क्रेडिट स्कोर कैसे है, उसके बेसिस में मुझे कितना लोन मिल सकता है उसकी लिमिट डिसाइड करना। या फिर बेटा सपोज करो कोई पर्सन स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए लोन लेना चाह रहा है तो सेंट्रल बैंक उसके लिए मना कर देता है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है बेटा क्रेडिट की ना रैशनिंग कर देता है कि किसको किसको कितना कितना लोन मिल सकता है उसका एक अमाउंट लिमिट डिसाइड कर देता है, जिसकी हेल्प से होता है ये बेटा कि हर किसी को लोन यानी हर किसी को बेटा मनी अवेलेबल नहीं होगा, सेलेक्टिव लोगों को अवेलेबल होगा वो भी विद सेलेक्टिव अमाउंट की लिमिट के साथ। और इससे भी क्या होता है हम मार्केट में जो मनी सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करके एग्रीगेट डिमांड को भी कंट्रोल करते हैं, यानी एक्सेस डिमांड को भी कंट्रोल करते हैं। बात समझ में आई? सारे बच्चों बात समझ में आई? ओके। अब अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो हमने पढ़ा क्या, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया फिजिकल पॉलिसी जिसमें बेटा एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या करता है, ओके गवर्नमेंट टैक्सेस को क्या करता है बेटा। और ये जो दोनों पॉलिसी इस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं बच्चों, फिस्कल पॉलिसी। एट द सेम टाइम सेंट्रल बैंक भी बेटा पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करता है और सेंट्रल बैंक की पॉलिसी को हम कौन सी पॉलिसी बोलेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होती है। एंड बेटा टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक का मेन मोटिव ही क्या होता है, टू डिक्रीज द क्रेडिट अवेलेबिलिटी यानी डिक्रीज मनी सप्लाई, राइट है ना, जिसके लिए बेटा सेंट्रल बैंक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिजर्व रेशियो इन तीनों को क्या करता है, इंक्रीज करेगा। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज को क्या करते हैं बेटा, सेल करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे, और इसके अलावा मॉरल सॉशन एंड क्रेडिट रशनिंग की पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करते हैं टू कंट्रोल दी एक्सेस एग्रीगेट डिमांड यानी एक्सेस डिमांड। क्लियर? मैंने आपसे